अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एकदम से हलवाई स्टाइल क्रिस्पी से प्याज के पकोड़े। और जब आप इनको खाएंगे तो आपको जो है बस मज़ा आ जाएगा खाकर। रोज़ों में जो ये बनाएंगे आप इस तरह से पकोड़े, तो सभी आपकी तारीफ़ करेंगे और पूछेंगे कि भाई कहाँ से सीखे हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए मैंने प्याज ले लिए हैं और इनको मैंने स्लाइस कर लिया है, और इनको बहुत अच्छे से मैंने जो है बारीक बारीक इनको स्लाइस को अलग कर लिया है। और इसके लिए मैंने लिया है बेसन, ये 5 टेबल स्पून बेसन है, और 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून अनारदाना है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लिया है मैंने साबुत धनिया, और 1 टीस्पून लिया कसूरी मेथी। तो चलिए सबसे पहले हम डाल देंगे एक बाउल में ये कटे हुए प्याज, और प्याज जो है थोड़ा सा पानी छोड़ते हैं, इसलिए हम इसमें बाकी सारे सूखे मसाले डाल देंगे। इसमें हम बेसन को पहले ऐड नहीं करेंगे, और तभी ये पकौड़े इतने क्रिस्पी बनते हैं कि बिल्कुल टेस्ट जो है इनका एकदम हलवाई वाला होता है। हम सोचते हैं कि इनके पकौड़े इतने टेस्टी कैसे बनते हैं, तो ये ऐसे ही बनते हैं। तो इन्हें हमें सभी मसालों के साथ प्याज को अच्छे से मिलाना है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी कटा हुआ हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्च, और इन सभी चीज़ों को डाल के हमें अच्छे से मिलाते रहना है। और अब इसमें मैं डाल दूंगी बेसन। बेसन आप जो है थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, एकदम से सारा बेसन नहीं ऐड करना है। और मैंने इसमें 4 स्पून ही जो है बेसन डाला है, तो इन्हें मैं डाल के अच्छे से पहले मिला लेती हूँ। और देखिए प्याज में थोड़ा सा पानी था, इसलिए देखिए बेसन हमारा अच्छे से इसमें चिपकने लगा है, पर थोड़ा सा मुझे इसमें पानी ऐड करना है, 1 से 2 चम्मच ही पानी इसमें ऐड करना है। ज़्यादा पतला हो जाएगा तो प्याज के पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पकौड़े सेकना, और तेल मैंने गरम कर लिया है, और चलिए पकौड़े हम इसमें डाल देते हैं। तो देखिए हल्का सा गोल्डन कलर इन पर आ गया है, और ये देखने में ही बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं। और अभी थोड़ी देर और हम इनको फ्राई करेंगे, और ये देखिए ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बस हमें इतने ही इनको फ्राई करने हैं। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो चलिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार है ये क्रिस्पी से पकौड़े, और मैं इनको अपने इफ्तार में करने जा रही हूँ टेस्ट। वैसे ये बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ये बना कर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।